नमस्कार दोस्तों, अपना अयोध्या चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दीपावली होती दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज छोटी दीपावली पे पूरी अयोध्या जगमगा रही है, वहाँ पे दीपों को जलाया जा चुका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली पे 3 नवम्बर के दिन अयोध्या में राम की पैड़ी पर 9,51,000 दीपक जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो आज साकार रूप में हो गया है। इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए आपको बता दें कि राम की पैड़ी घाट पर बहुत ही कई दिनों से हफ्तों भर से तैयारियां महीनों भर से तैयारियां हो रही थी। इसके लिए अयोध्या शहर के सभी कॉलेजों के छात्र छात्राओं को इसमें सहयोग करने के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि 49 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस समय राम की पैड़ी में लगभग 24 घंटे लगी रहती थी। पैड़ी घाट को दीपक सजाने का काम दीपक की तैयारियाँ कर रही थी, जो आज बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है, बहुत भव्य बहुत ही सुंदर। जैसे त्रेता युग की याद आ गई, जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे होंगे, उस समय का भव्य दृश्य आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अद्भुत नज़ारा है यहाँ का देखने को मिल रहा है। आपको बताते हैं कि इतनी संख्या में दीपक जलाने का एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। इसके लिए गिनीज बुक के अधिकारियों से भी आ चुके थे, 2 दिन पहले ही वहाँ आ चुके थे और आज रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दिया जलाने की यह परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में शुरू की थी। इस प्रकार इस वर्ष यह 5वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अब इसे एक परंपरा का रूप देने की कोशिश की जा रही है। संपूर्ण अयोध्या वासियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। केवल अयोध्या वासियों का पूरा देश को उत्साहित नजर आ रहा है। देश से विदेश से दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम को देखने को आए हुए हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राम की पैड़ी पर लोग बहुत दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। लेजर लाइट शो का भी आयोजन भव्य रूप से है, जिसमें लेजर लाइट शो के द्वारा रामायण की रामचंद्र जी की पूरा चित्र सहित वर्णन दिखाया जा रहा है। अलौकिक झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं। लेजर शो के जरिए भगवान राम और माता सीता के जीवन से जुड़े रामायण के अनेक प्रसंगों को लेजर लाइट शो जरिए दिखाया जा रहा है। संपूर्ण रामायण को दिखाया जा रहा है। इसके लिए 5 कंपनियां पहले से ही इस समय तैयारियों में जुट गई थी इस समय के लिए। इसके अलावा विभिन्न मंच तैयारी यहाँ भगवान राम से जुड़े दृश्यों को सजीव रूप देने में बहुत महीनों से कलाकार लगे हुए थे। और इस भव्य अलौकिक नज़ारा को देखकर उस समय का दृश्य देखकर अभिभूत हो रहे हैं, अपने को बहुत ही पुण्यभागी समझ रहे हैं कि इस तरह का साक्षात दर्शन देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही भाग से मिलता है। ज़्यादा संख्या में दीपक इसलिए लगाया गया ताकि 9,51,000 दीपक लगातार जलते रहे। 5 मिनट तक जलना चाहिए, तभी गिनी बुक आपका रिकॉर्ड बन जाता है। ज़्यादा दीपक जलाने का ये भी एक उद्देश्य है। ये तस्वीरें अयोध्या से लाइव एकदम देख के तुरंत बना के दिखाया जा रहा है। आप भी इस दृश्य का अद्भुत दृश्य का आनंद लीजिए। प्रदेश के 90,000 गांवों से अयोध्या में दिया बेचने की तैयारी बहुत पहले से ही हो गई थी। भगवान राम की नगरी दीपावली के दिन 12,00,000 के दियों से जगमगाती अयोध्या को लेजर लाइट्स के जरिए बहुत ही खूबसूरत लुक देने की कोशिश की गई है, बहुत अद्भुत अलौकिक। 2020 में दीपोत्सव में 6,00,000 से अधिक दियों को जलवाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। श्री राम जय श्री राम, मैं धन्य हो गया।
दीपावली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आपसे। विनम्र रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने आनंद भाव विभोर कर देने वाले दृश्य का अद्भुत अलौकिक दृश्य का आनंद लिया। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, पसंद आया हो वीडियो आपको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।